पीलीभीत में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई। कैदी की मौत की खबर के बाद आनन फानन में जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ही किसी तरह मामले को दबाने में लगे हैं। लेकिन परिजनों का कहना है कि मृतक की हत्या जेल के अंदर की गई है। प्रथम दृष्टया शव को देखकर हत्या का ही कयास लगाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन भी किसी सवाल का जवाब देने में खुद को बेबस दिखा रहा है। मृतक की पुत्री ने जेल प्रशासन के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। वहीं एसपी पीलीभीत का कहना है कि मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन मृतक के चेहरे पर चोट के निशान कहां से आए इसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। कोतवाली सदर पुलिस को दी गई तहरीर में मृतक हेमराज की पुत्री कमलेश ने बताया कि वो बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव ईटा रोड के रहने वाले हैं। गांव में करीब 2 साल पहले हत्या हुई थी, जिसके आरोप में उसके पिता 8 दिसंबर 2016 से जेल में बंद थे। आरोप है कि बीते दिन जहां पूरा देश दीपावली मना रहा था, तो इस परिवार के ऊपर एक खबर आग बनकर बरसी। परिवार वालों के पास खबर पहुंची कि उनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है। जेल प्रबंधन के भेजे पत्र में लिखा था कि मृतक हेमराज की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद हेमराज को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। परिवारजन खबर मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे, जहां जैसे ही उन्होंने कफन उठाकर हेमराज का चेहरा देखा तो चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। मृतक हेमराज की नाक बुरी तरह से कटी हुई थी, उसकी आंख पर चोट के निशान थे और सर के पीछे से भी खून निकल रहा था, जिसके बाद परिवारजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने जेल प्रशासन पर हेमराज की हत्या का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। विरोध की सूचना पर सीओ सिटी धर्म सिंह, मार्शल व तहसीलदार सदर विवेक मिश्रा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही के आश्वासन पर परिजन शांत हुए। मेरा नाम जगन्नाथ प्रसाद है। अच्छा, क्या घटना हो गई, कौन थे ये आपके मृतक? ये मेरे भाई थे, सबसे बड़े भाई है मेरे। कैसे मौत हो गई? इनकी मौत सर, मुझे लगता है इनकी मौत कराई गई है। कहाँ? जेल के अंदर। कैसे बताओ? अब इनकी, मैंने जब पुलिस वालों ने मेरे लिए भेजा, जब खबर मिली 3 बजे, मैं 3 बजे के बाद मैं यहाँ 4-5 बजे आया था पहली बार, तो हमने अपने भाई को देखा तो उनकी बिल्कुल नाक कटी हुई, और मजिस्ट्रेट साहब सामने मेरी बयान लिए उन्होंने कही लल्ला देख लो आप भाई को क्या क्या परेशानी है, तो मैंने देखा कि मेरे भाई की मैंने चादर हटाई तो उनकी नाक कटी हुई और सर में पीछे खून आया था और आंख में चोट है और चेहरा बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। अच्छा, मिलने कब आए थे लास्ट बार? 28 तारीख को आया था, 28-10। तब कैसे थे? तब कहते बिल्कुल स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं। कोई बीमारी नहीं। अच्छा, जेल वाले क्या बता रहे हैं, कैसे मर गए? जेल वालों तो उन्होंने ये तो कह रहे, बार बार दरोगा जी आए, वहाँ आए, कई लोग आए कि उन्हें चूहे ने ना काट ली। मुझसे जेल वाले मरना कैसे बता रहे हैं, कैसे खत्म हो गए? मेरे लिए तो कुछ नहीं, मैं तो कह रहे स्वस्थ बता रहे, जेल साहब शाम बात हुई थी मेरी। अच्छा। हाँ, सब जब मिलने आया जेल साहब, वो कह रहे बिल्कुल स्वस्थ थे। अब 10 बजे आया तो मेरे तो घोषित कर दिया गया, मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। सुमन देवी, क्या हुआ आपके पिताजी को, कब आई थी आप मिलने? मैं 28 तारीख को मिलाई करने आई थी, तो पापा मेरे बिल्कुल एकदम सही थे, ठीक है। और फिर बाद में आज क्या हुआ? आज आज तो नाक काटी है, कल जैसे हमें सूचना मिली, ठीक है, सूचना मिली तो नाक कटी है, आँख में चोट है, सिर में चोट है। कैसे हुआ, हुआ क्या मानना आपका, क्या मार दिया? ये जेल साहब का होगा, जेल साहब ने मारा होगा। तो बीमार उमार थे पहले से? हाँ, पी जाती। कौन बता रहा था ये? पीलिया, वो डॉक्टर वो बता रहे हैं जेल साहब। क्या ना, पीलिया थी? हाँ। आपको सूचना दी करी थी इन्होंने पीलिया की? नहीं। क्या चाहती हो आप लोग? मुकदमा दायर करना चाहते हैं। सर, एक सजा याफ्ता कैदी की मौत हो गई, बताया जा रहा है, जो आरोप है कि जेल प्रशासन पर लग रहा है कि उसको मारा है, किस तरह का मामला तहरीर भी दी गई है? एक कैदी हेमराज जो सजा याफ्ता था, वो जिला जेल में बंद था, कल उसकी डेथ हो गई है, और उसके परिजनों का ये आरोप है कि इस तरीके से उसकी हत्या की गई है। जबकि परिजनों ने जो तहरीर दिया है उसके आधार पर उनको बता दिया गया है, पहले पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट में आएगा, जो अगर चोटें वगैरह हैं, किस कारण से मृत्यु हुई है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जेल में कौन मारने पहुंच जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों से बात होने पर ये पता चला है कि उसकी हार्ट की आर्टिलरी ब्लॉक थी, जिसके कारण उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, और जो उसके नाक वगैरह पर और चेहरे वगैरह पे थोड़ा बता रहे हैं खरोंच के निशान हैं, वो
डॉक्टरों ने कहा इतने तगड़े इंसान नहीं है वो कि उससे उसकी मृत्यु हो जा सके, फिर भी इसकी गहराई छानबीन कराई जाएगी और जो भी फैक्ट होगा उसके आधार अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर वो चोटें कहाँ से आई, नाक पे और हाथ पे? अब चोटें कैसे आई ना, तो डॉक्टरों से बात करके पता करना पड़ सकता है कि हार्ट अटैक झटका मारा हो, गिर गया हो। आप जान निकलने लगती है तो लोग उसको अपना जो है चेहरा वगैरह भी रगड़ने लगते हैं। जो भी कारण हो, किस तरीके की है, पीएम रिपोर्ट पूरा देखने के बाद ही स्पष्ट होगा।